हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। आज मैं मेरा ब्लॉग में दिखा रही हूँ, मेरा बेटी का बर्थडे के लिए मैंने यूनिकॉर्न का डेकोरेशन किया था पूरा पार्टी के लिए। तो वो मैंने कैसे किया था आपको ये बता देती हूँ। देखिए, मैंने ये है ना अमेजोन से मंगवाया था यूनिकॉर्न डेकोरेशन सेट को, मैंने अमेजोन से मंगवाया था। उससे मुझे मिला था 13 पिंक बर्थडे लेटर मिला था, और 60 पीसेस बलून्स मिला था पिंक और गोल्ड कलर का, और 5 पीस यूनिकॉर्न का बलून मिला था। बहुत अच्छा था इसका, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। बहुत अच्छा है। देखिए, बलून को कैसे फुलाने का मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ऐसे बलून का अंदर एक वाइट कलर का स्टिक रहता है, उसका नीचे से आपने पाइप को डालना चाहिए। ये पाइप भी हमको साथ में उन लोग दे देते हैं। आप बलून में सब हमने एयर भरते हैं, वो पंप भी लेके कर सकते हैं, अदरवाइज मुंह से भी उसको हमने एयर भर सकते हैं। बहुत अच्छा है और इजी है, बहुत सुंदर भी दिखता है। स्पेशली लड़की लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरा बेटी तो बहुत खुश हो गई, उन लोगों का फ्रेंड्स लोग भी। देखिए, आप मुंह से भी बंद कर सकते हैं। देखिए, पूरा एयर हमने भरने के बाद देखिए ओपा, देखिए फुल हो गया है। पाइप को अभी बाहर निकाल के, हम कहाँ से हमने एयर भरा था ना, वहीं पे पाइप बाहर निकालने के बाद उसको स्टिक करना चाहिए, अच्छी तरह दबाना चाहिए। और इसका पीछे देखिए, मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है क्योंकि दीवार पे चिपकाने के लिए। देखिए, ऐसे पाइप को आप एयर भरने के बाद निकाल लीजिए, ऐसे दबा दीजिए, कहाँ से आपने एयर भरा था ना वहीं पर आपने अच्छी तरह स्टिक कर दीजिए। देखिए, फुल बंद हो जाएगा एयर, आपका बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा बलून से। देखिए, ऐसे मैंने यूनिकॉर्न बलून में देखिए भर दिए, फटाफट आपका हो जाता है, बहुत सुंदर भी है। ये मुझे 5 पीस मिला था, एक बड़ा यूनिकॉर्न मिला था, छोटा बच्चे का 2 मिला था, और उसमें 2 स्टार भी मुझे मिला था। देखिए, ऐसा फटाफट आप भर सकते, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, ये छोटा यूनिकॉर्न है, बहुत सुंदर था देखने के लिए भी। देखिए, ये भी सेम ऐसे ही आपको बलून में, बलून का अंदर आपको ऐसा भरना चाहिए हवा। देखिए, ऐसा आपको स्टिक, देखिए पीछे आपको दिखता है वाइट कलर का एक स्लो टेप जैसा रहता है, उसका नीचे से आपको पाइप डाल के मुंह से एयर भरना चाहिए, अदरवाइज पंप से भी हो सकता है, लेकिन बहुत इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा और बहुत सुंदर भी दिखता है। आजकल यूनिकॉर्न का ट्रेंड चल रहा है लड़की लोगों के लिए, बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, स्टार के लिए भी मैंने ऐसे ही भर दिया है। देखो, याद रखना, स्पेशली वहाँ हमने हेयर भरते हैं वहीं पे एक वाइट कलर का सेलो टेप जैसा रहता है, उसका नीचे से आपने पाइप को डालना चाहिए, देन उसके बाद आपने उसका अंदर हेयर भरना चाहिए। देखिए, पूरा मेरा 2 स्टार और 3 यूनिकॉर्न को मैंने हेयर भर दिया है। इसके साथ मुझे 60 बलून्स भी मिला था पिंक और गोल्डन कलर में, बहुत सुंदर था वो, तो मैंने पंप का थ्रू से उसको एयर भर दिया था। देखिए, और इसमें एयर पूरा भरने के बाद सब में डबल डबल साइडेड टेप आप चिपका सकते हैं, क्योंकि आसानी से हमको दीवार में इसको चिपका सकते हैं। देखिए, अभी हमारा बलून सब रेडी हो गया चिपकाने के लिए। इसका प्राइस भी बहुत कम है, तो अमेजोन से हम ले सकते हैं। बहुत सुंदर दिख रहा था, मैंने इसको अमेजोन से ले लिया था, तो इसका लिंक भी मैंने आपको दे देती हूँ। आपका भी बच्चों लोगों के लिए चाहिए तो आप अमेजोन से ले सकते हैं, फटाफट हो जाता है, इसके लिए बहुत देर तो नहीं लगेगा। ये गोल्डन और पिंक कर्टन है ना बर्थडे डेकोरेशन का, ये मैंने बाहर से लिया था इसको, क्योंकि अच्छा दिखता है, अदरवाइज इतना अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए मैंने ये कर्टन को मैंने बाहर से लिया था। देखिए, ऐसे डबल साइड टेप को मैंने लगा दिया था ना, इसलिए अच्छी तरह वो चिपक जाता है। देखिए, और एक कर्टन को आपने डबल फोल्ड करके लगाते हैं ना तो अच्छा लगता है, मैंने सिंगल लगा दिया है। ये क्या, पंखा का हवा से एकदम
ये हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, डबल रहता है ना कर्टन, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ऐसे मैंने स्टिक कर रही हूँ, देखिए हमारा बर्थडे डेकोरेशन का रेडी हो गया। देखिए बेबी यूनिकॉर्न भी है, उसका बड़ा यूनिकॉर्न भी है, दो स्टार है, बलून्स पिंक और गोल्डन कलर का 60 बलून्स भी मुझे मिला था। देखिए पूरा मेरा बर्थडे डेकोरेशन रेडी हो गया है। देखिए बहुत सुंदर दिख रहा था डेकोरेशन, बेबी यूनिकॉर्न का था ना, बहुत अच्छा था। तो मेरी बेटी का फ्रेंड्स लोगों को भी बहुत सुंदर लगा, काफ़ी उन लोगों ने एंजॉय किया ये सब, उन लोगों को भी मज़ा आया। आजकल यूनिकॉर्न का टेंट चल रहा है ना, और रियल देखने में बहुत सुंदर दिखता है, फ़ोटो में इतना ये नहीं है, लेकिन सामने देखते हैं ना बहुत सुंदर दिखता है। देखिए पूरा रेडी हो गया था, बहुत खुश थी मेरे बेटी, यूनिकॉर्न का पूरा सेटअप हो गया, तो उसका केक भी यूनिकॉर्न का मिल गया था, तो बहुत, ऐसे तो लड़के लोग स्पेशली यूनिकॉर्न का बहुत ही अच्छा लगता है उन लोग। अभी देखिए पार्टी ख़त्म हो गया, अभी बलून का सब एयर कैसे निकालने का मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ। कैसे हमने बलून का अंदर एयर भरा था ना, वो सेलो टेप था बलून का पीछे, देखिए एयर भरने का जगह से वहीं से सेम वही सेलो टेप का नीचे से हमने वही पाइप को डालना चाहिए, पूरा अंदर डालना चाहिए। देखिए थोड़ा बड़ा स्ट्रॉ जैसा रहता है, हम जूस सब पीते हैं, वो स्ट्रॉ है तो और भी अच्छा है, मीन्स तुरंत हवा बाहर निकल जाता है। इन लोग देते हैं ना, तो दुकान से हमको मिलता है, छोटा वाला मिलता है, आपके पास बड़ा स्ट्रॉ है तो वो डाल दीजिए, फटाफट उसका एयर निकल जाएगा। देखिए निकल गया, अभी इसको आप अच्छी तरह प्रेस करके हवा को पूरा बाहर निकाल दीजिए, देखिए कितना अच्छा फटाफट हो जाता है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉ ले लेते हैं बहुत अच्छा है। देखिए इसको अभी अच्छी तरह फोल्ड कर दीजिए, चाहिए तो आपका नेक्स्ट ईयर भी हो जाएगा और कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेम हैज इट इज़ आपने इसको अच्छी तरह फोल्ड करके रख सकते, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। देखिए ऐसा आपने अच्छी तरह फोल्ड करके रख सकते हैं। देखिए कैसे याद रखना, आप कैसे हेयर भरा था कहाँ से, देखिए ऐसे आपको कैसे हमने हेयर भरा था टेप का नीचे से, ऐसे ही वाइट कलर का टेप का नीचे से आपको स्ट्रॉ डालना चाहिए और ऊपर से आपको अच्छी तरह प्रेस करना चाहिए बलून को, धीरे धीरे प्रेस कीजिए अदरवाइज फट जाएगा। देखिए ऐसा आपने धीरे धीरे प्रेस कर दीजिए तो सब एयर बाहर चले जाएगा, तो आप अच्छी तरह इसको फोल्ड कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।